असलामुअलैकुम। हम बना रहे हैं यहाँ पर बेसन का झटपट बनने वाला बेसन का हलवा, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। एक कप बेसन, और उसके लिए चाहिए एक गिलास पानी का, और उसमें कुछ दाने सब्ज़ इलायची, और गार्निश के लिए बादाम, और थोड़ा सा फूड कलर, हसब ज़रूरत चीनी और हसब ज़रूरत घी। हमें घी में बनाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं यहाँ पर अपना झटपट बनने वाला बेसन का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का लगता है ये, और बनाना बेहद आसान। सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर घी। घी को मेल्ट होने देंगे, जब तक ये मेल्ट हो फिर इसके अंदर हम सब्जी इलायची डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया, ये देखें। अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्जी इलायची के दाने, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, कड़कड़ाए। के साथ ही हम डालेंगे अब बेसन। आग को करेंगे थोड़ा सा कम, क्योंकि तेज आग पे नहीं बनाना, हमें हल्की आंच पे इसे भूनना है, तब तक जब तक इसमें खुशबू अच्छी सी आने ना लग जाए। अच्छा, ये मीठा ऐसा है कि झटपट बन जाता है, और जैसे ही आपका मीठा का दिल करता है, जैसे कि कुछ दिल करता है अच्छा सा हो, कुछ मीठा हो, तो आप ये बना के खाना ज़रूर, बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि इस वक्त मेरा ख़ुद भी बहुत दिल चाह रहा था मीठे को, पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है, मीठा बहुत अच्छा लगने लगा है। बस इसकी थोड़ी सी भुनाई और करनी है, खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे हलवाई की दुकान पे बेसन की बर्फ़ी मिलती है ना, बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट होता है इसका, जैसे कि या फिर पतीसा हो गया या बेसन की बर्फ़ी हो गई, बिल्कुल ऐसा टेस्ट होता है। और घर में बनाना बेहद आसान है, देखें आप, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बेसन डालो, घी डालो, और बस इसकी भुनाई करके और पानी डाल दें, आप चीनी डाल दें, हलवा तैयार हो जाता है। तो जी देखें आप, बेसन हमारा भून गया अच्छे से, और बहुत अच्छा कलर भी आ गया, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, आग को थोड़ा और कम कर लेती हैं, फिर बाद में तेज़ करेंगे। ये डाल दिया हमने पानी इसमें, और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, जैसे कलर अच्छा सा आ जाए, बस इसलिए, बस ये डाल दिया हमने कलर। और इसके साथ ही हम डालेंगे अब चीनी, पहले चीनी डालें। अच्छा, तो इसमें हम डालेंगे ये चीनी एक ढक्कन, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना पकाना है कि चीनी का पानी इसमें अच्छे से पक जाए, ठीक है, तब तक पकाएंगे जब तक चीनी का पानी खुश्क ना हो जाए। कलर देखें कितना अच्छा आ गया इसमें, घी छोड़ देगा। अच्छा, अच्छी खुशबू के लिए ना एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है देसी घी, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। हलवे ने अपनी छोड़ दी है जगह, ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसे डाल देंगे बेसन में। तो चलिए हम डालते हैं अपना हलवा इसके अंदर।
बिल्कुल बर्फी के जैसे जम जाएगा ये, चाहें तो गरम गरम खाएं, वैसे गरम ही अच्छा लगता है ये। मैंने इसके लिए इसलिए ऐसे डाला, जिसका जब दिल चाहेगा लेकर खा लेगा। ठीक है, चलो हमारा हलवा हो गया तैयार।